मुर्रा भैंस में थनों का झड़ना या अल्सरेटिव मेमिलाइटिस। कभी कभी विशेषकर मुर्रा नस्ल की भैंस में आप देखते हैं कि उसके एक थन में अचानक स्वेलिंग आ जाती है और कुछ दिनों बाद वही थन लकड़ी की तरह बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसके बाद उस थन के बेस पे एक छोटा सा घाव बनता है और कुछ दिनों बाद यह घाव पूरे थन पे एक रिंग बना लेता है और अंततः वो थन झड़ या गिर जाता है, जिससे कि इस एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन तो कम होता ही है। इस तरह की भैंस की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जैसे कि मान लो ये भैंस 2 लाख रुपए की थी तो इसकी कीमत घट के 50,000 हो जाती है। और जैसे कि आप देखते हैं, आप महंगे से महंगा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं फिर भी इस तरह के केस में प्रॉपर रिकवरी नहीं मिल पाती है। इस तरह के होपलेस और चैलेंजिंग केस में यदि आप इंजेक्शन DCR या एंड्रोफ्लोक्सासिन एक दिन छोड़ के 1 दिन 5 दिन लगाते हैं, यानी टोटल 10 दिन का कोर्स करते हैं, इसके साथ साथ पाउडर फाइब्रोलाइज 1-1 से सुबह शाम 10 दिन तक खिलाते हैं, क्योंकि पाउडर फाइब्रोलाइज ट्रीट में होने वाले घाव को तो हील करने में हेल्प करता ही है, साथ साथ इसमें हो चुकी फाइब्रोसिस हार्डनेस को भी डिजोल्व करने में हेल्प करता है। और 10 दिनों में ही इस तरह की डिफिकल्ट कंडीशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द रेस्पेक्टेड वेट्स फॉर देयर फीडबैक एंड स्टोरीज अबाउट द सक्सेसफुल ट्रीटिंग और कम्बैटिंग दिस टाइप ऑफ द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एंटीबायोटिक्स विद फाइब्रोलाइज।